अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मेरी लास्ट वाली वीडियो कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने लगी हूँ वो है आपके फेशियल के बारे में। मैं अपने फेस का फेशियल करने लगी हूँ। मैं जो फेशियल आप लोगों के सामने यूज़ करने लगी हूँ वो मेरा मोस्ट फेवरेट फेशियल है। मुझे इसकी स्किन पॉलिश बेहद पसंद है। बेसिकली ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये बेसिकली आप लोगों के सामने एक बेहतरीन जो है वो स्किन पॉलिश करने का तरीका, स्किन पॉलिश जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए और कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, आप लोगों के सामने मैं बेहतरीन प्रोडक्ट्स यूज़ करूंगी। आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल होगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। आप लोग जब भी स्किन पॉलिश करेंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी, ब्राइट होगी, बहुत ही मज़े की स्किन हो जाएगी। तो चले मेरे साथ, मैं आप लोगों को ले चलती हूँ जिस तरह मैं स्किन पॉलिश करूँगी। मैं चेंज कर आती हूँ, फेस वॉश कर आती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि स्किन पॉलिश कैसे करनी है। तो जी जनाब, सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैंने एक बाउल में बहुत ही ठंडा पानी लेकर और उसके साथ मैंने उसके अंदर अपना स्पंज डाल लिया है क्योंकि मैं इससे अपने फेस को बार बार क्लीन करती रहूँगी आप लोगों के सामने। ठीक है, ये देखें, अच्छी तरह से मेरा फेस अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। ठीक है, इस टाइम मेरे फेस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये देखें। तो जी जनाब, सबसे पहले तो हमने ये फेशियल बैंड लगा लिया है। फेशियल करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मेरे पास है ये स्किन फ्यूल का, स्किन फ्यूल आप देख रहे हो, स्किन फ्यूल का मेरे पास ब्राइटनिंग डीप क्लींजर है। ये देखें, बहुत ही मज़े का है ये। मैं आप लोगों को साथ मेंशन भी कर दूंगी इसकी पिक्चर, आप लोग चाहें तो मार्केट वगैरह से ले सकते हो। इसे बहुत ही मज़े का क्लींजर है। मैं बहुत ही अरसे से उसको यूज़ कर रही हूँ, स्किन क्लींजर को, स्किन फ्यूल को। क्लींजर है उनका और मैं अभी आप लोगों के सामने इसके साथ अपना फेस क्लीन करूंगी। ये देखें, ये आपकी आईज में ना थोड़ा सा जलन करता है, इसीलिए कोशिश करें कि आपकी आंखों में ये ना जाए। फाइव मिनट्स तक मैं इसका मसाज करूंगी अपने फेस पर। फाइव मिनट्स हो गए हैं, चलिए अब इसको रिमूव करती हूँ मैं। अभी आप देख सकते हो एक क्लींजर का कितना अच्छा रिज़ल्ट आया मेरे फेस के ऊपर। तो चलें अब स्क्रबिंग करते हैं। तो जी जनाब, स्क्रब के लिए मेरे पास है स्किन फ्यूल का ब्राइटनिंग माइक्रोफोलियंट फेस स्क्रब। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं ये भी आप लोगों को अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसके जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये आपके फेस को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करते। आपके फेस पर एक्नी है, वैसे तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपके फेस पर एक्नी हो तो स्क्रब मत किया करें क्योंकि स्क्रब जो है वो आपकी एक्नी को मज़ीद ख़राब करता है। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि आप स्क्रबिंग ना किया करें जब भी आपकी स्किन पर एक्नी हो। ये जो इनका स्क्रब है ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में है, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा रोज़ वाटर या खाली वाटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। फिलहाल मैंने वाटर अपने साथ रखा हुआ है, कोल्ड वाटर है मेरे पास, वो मैंने अपने साथ रखा हुआ है, मैं उससे साथ साथ यूज़ कर रही हूँ। मगर इसका जो स्क्रब है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त, इसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं
और यकीन करें आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं करते किसी भी किस्म की। यह बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब है इसका। तो जी जनाब, अब 5 मिनट्स हो गए हैं हमें स्क्रबिंग को, तो अब मैं स्क्रब रिमूव करती हूँ। अब आप देख सकते हो मेरी नेक किस तरह से ग्लो कर रही है और मेरे चीक्स जो हैं वो भी कितनी अच्छी हो गई हैं। ये बहुत ही मज़े का जो है वो स्क्रब और क्लिनज़र है, बहुत ही अच्छा। आप लोग अब देख सकते हो स्किन मेरी कितनी अच्छी हो गई है जस्ट इनसे। तो चलें अब स्किन पॉलिश बनाते हैं। स्किन पॉलिश के लिए मेरे पास ऑक्सी ग्लो का स्किन पॉलिश का सामान है। ये जनाब साहब, ये मेरे पास ऑक्सी ग्लो का 20 वॉल्यूम है, ऑक्सी ग्लो का पाउडर है मेरे पास, और ऑक्सी ग्लो का स्किन शाइनर है, और मेरे पास है सूदिंग लोशन। अब हम इसको आपस में मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमेशा की तरह एक इस तरह से छोटा सा बॉल ले लेंगे हम, और उसके बाद हम इसमें सबसे पहले ये 20 वॉल्यूम डालेंगे ऑक्सी ग्लो का। ये देखिए, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून मैंने इसमें वॉल्यूम ऐड किया है, और इसके बाद मैं अब इसके अंदर ये ऑक्सी ग्लो का पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, ये मैं करूँगी हाफ़ से भी हाफ़, क्योंकि मेरी स्किन खुद सेंसिटिव है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसीलिए हाफ़ से भी हाफ़ जो है वो इसमें पाउडर डालूँगी। ये आप देख सकते हो, बस ये मैंने इसमें पाउडर ऐड कर लिया। बस सूदिंग लोशन, आपकी स्किन जितनी ज़्यादा सेंसिटिव है आप उतना ज़्यादा सूदिंग लोशन यूज़ कर सकते हो। मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जो है वो सूदिंग लोशन का ऐड करूँगी। उसके बाद तो जी जनाब, मैं अब इसमें ये ऑक्सी ग्लो का स्किन शाइनर, ये आप देख सकते हो, कहाँ से दिखाऊँ, ये देखें, ये ऑक्सी ग्लो का स्किन शाइनर है मेरे पास, ये मैं बीच में ऐड करूँगी। मुझे जितनी शाइन चाहिए, जितनी ग्लो चाहिए उतना मैं ऐड करूँगी। ये देखें, ये भी मैं 1/2 टेबल स्पून ही डाल लेती हूँ बीच में। ये 1/2 टेबल स्पून हो गया, ये मैंने बीच में डाल दिया है। अच्छा जी, और उसके बाद मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँगी। ये ऑक्सी ग्लो का है वाइटनिंग सीरम, गोल्ड वाइटनिंग सीरम, जो कल मैंने आप लोगों को जो हैंड और फुट की स्किन पॉलिश थी उसके साथ भी मैंने ऐड किया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत ही बेहतरीन है, और ये वाकई बहुत ही बेहतरीन है। ये मैं बीच में ऐड करूँगी, मैं कोई वाइटनिंग कैप्सूल कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, मैं यही सीरम बस बीच में ऐड करूँगी आप लोगों के सामने। और आप लोग देखिएगा, ये देख रहे हैं कितने अच्छे मज़े के इसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, बहुत ही मज़े का इसका रिज़ल्ट है, आप यकीन करें। ये देखें, ऑलमोस्ट 5 to 6 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अब आप देख लो, ये मेरे पास इस तरह से पेस्ट मैं इसका बनाऊंगी, ये देखें। और मैंने बीच में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी बिल्कुल भी, जो मैंने चीज़ें डाल दी हैं वही ही काफ़ी हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगी कि मैं किसी भी कंपनी का मास्क उठा के वाइटनिंग मास्क वो भी बीच में डाल दूं, और मैं ये भी बीच में डाल दूं, और मैं वो भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो आपकी उस टाइम चीज़ें होती हैं ना स्किन पॉलिश की, जो उसी कंपनी की होती हैं, वो फिर मुझे लगता है कि उसका रिज़ल्ट सही से नहीं आता है। आप क्योंकि दूसरी कंपनी को, किसी भी कंपनी को बीच में ऐड कर देते हो या कुछ भी। आप लोगों को वैसे चाहिए जब आप स्किन पॉलिश यूज़ कर रहे हो ना, तो एक ही कंपनी की आप यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम किसी और कंपनी का आप ऐड कर लो और पाउडर किसी और कंपनी का बीच में ऐड कर लो, इस तरह से आप बिल्कुल नहीं करो। आप एक ही कंपनी की सारी चीज़ें यूज़ करें, और जब भी कोई भी चीज़ अपने फेस पर, हैंड पर, फुट पर, कहीं पर भी अप्लाई करने लगें तो उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इसको आपस में ब्लेंड कर लोगे तो कोई पार्टिकल कहीं नहीं रहेगा। अगर आप ब्लेंडिंग सही से नहीं करते हो ना, तो कहीं भी कोई भी जो है वो चीज़ रह जाती है, और वो आपकी जब स्किन पर लगती है तो वहाँ पर आपकी एक्ने हो जाती है, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत ही वहाँ से डैमेज कर लेती है कुछ भी। तो इसीलिए ट्राई करो कि जो भी चीज़ें आप यूज़ करने लगोगे ना, उसको अच्छी तरह से पहले को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। भले आपको 2 मिनट्स लगें, 3-5 मिनट्स लगें, मगर आपकी स्किन से बेहतर कुछ नहीं है। चेहरा तो सबसे पहले इंसान का नज़र आता है ना, तो अपने चेहरे की सबसे पहले हिफाजत करें। ये देखो, आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ही ब्लेंड हो गया बिल्कुल। अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, अपनी आँखों को, अपने सेंसिटिव एरियाज़ को बचा के, और उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर।
और अपने लिप्स पर भी ना लगने दिया करें, क्योंकि लिप्स पर अक्सर मैं शुरू में मैंने एक आध बार कोई भी चीज़ लगाई है ना, तो मेरे लिप्स उससे जल गए बेचारे। तो जी जना, मैंने इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। 10 मिनट्स के बाद मैं आप लोगों को फेस वॉश करके दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट, कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, और आप लोग फिर खुद अंदाज़ा लगा लिएगा कि ये कितनी ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, चले मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। तो जी जनाब, 10 मिनट्स हो चुके हैं, मैं इसको रिमूव करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने इसको रिमूव करूँगी। आप लोग अपने सामने इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो जी जना, मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। जो स्किन पॉलिश थी वो सारी मैंने उतार ली है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और कमाल का रिजल्ट आया। तो जी जनाब, अब मैं आप लोगों को मास्क अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास MK कॉस्मेटिक्स वालों का मास्क है। ये देखें, MK ब्राइटनिंग क्ले मास्क है विटामिन सी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये मास्क है। मैं आप लोगों के सामने अभी अप्लाई करूँगी। ये पाउडर फॉर्म में है। इसको हम ये देखें पास, ये देखें, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। ये हाफ बॉक्स रह गया बाकी। तो 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इस बाउल में डाल लिया अपने फेस के हिसाब से। और उसके अलावा ये है, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। जब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो मेरी स्किन को एक सुकून सा आ जाएगा, बहुत ही मज़े की स्किन हो जाएगी। तो जी जनाब, आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन किस तरह ग्लो कर रही है। कुछ भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन उसके बावजूद देखिए मेरी स्किन किस कदर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है। मेरी नोज़ पे देखें, मेरी चिक्स पर देखें किस कदर ग्लो कर रही है मेरी स्किन। मेरी नेक पर चेन का निशान था, क्योंकि गोल्ड की चेन वेयर की हुई थी, तो इसी वजह से उसका निशान भी गायब हो गया है। नेक भी क्लीन हो गई है मेरी अच्छी तरह से, और फेस भी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। आप लोग देख सकते हो इसका रिज़ल्ट। और उसके अलावा ये है कि अब मैं मास्क अप्लाई करूँगी आप लोगों के सामने। इस मास्क में मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करूंगी। ये एलोवेरा जेल आप लोग ख्याल से लीजिएगा, मार्केट से कुछ 2 नंबर भी चीज़ें आ रही हैं, और इसलिए आप लोगों को देख के लेना है कि चीज़ आप ओरिजिनल ले रहे हो या फेक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं 1/2 टीस्पून जो है वो बीच में ऐड करूँगी इसके। ठीक है, और उसके अलावा ये मेरे पास टोनर है जो मैंने खुद बनाया हुआ है, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ इसके बारे में। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। इस तरह समझें कि ये टोनर मेरी स्किन की जान है। और अब मैं इसके अंदर इस टोनर को ऐड करूँगी और फिर हम एक पेस्ट बनाएंगे। ये जो मास्क है ना, इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा आपको वाटर, रोज़ वाटर या कोई भी चीज़ ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्ले है और ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है। ये देखो, तो ये मैं अपनी स्किन पर अभी अप्लाई करूंगी, आप लोग देखिएगा। ये देखिए, तो जी जनाब, ये अभी 5 से 10 मिनट्स में ही ड्राई हो जाएगा। जैसे ये ड्राई हो तो फ़ौरन ही आपने इसको रिमूव कर देना है, आपने बैठे नहीं रहना, क्योंकि ये आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई कर देगा। तो इसीलिए बस 10 मिनट्स इनफ हैं, आप 10 मिनट्स के बाद इसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद, मैं इसको रिमूव करके आप लोगों के सामने आती हूँ। तो जी जनाब, 10 मिनट्स हो गए थे। अब आप देख सकते हो मेरी स्किन पर किसी भी किस्म का कोई भी रैश नहीं है, या कोई भी किसी किस्म की रेडनेस नहीं है। पहले मेरी स्किन थोड़ी सी रेड थी यहाँ से, असल में मेरी स्किन पर थोड़े से एक्ने के निशान थे, जिसकी वजह से मेरी स्किन यहाँ से थोड़ी सी रेड रेड हो रही थी। तो बहरहाल, अब आप देखें मेरी स्किन किस कदर खूबसूरत हो गई है। ये देखें किस कदर स्किन पॉलिश का कितना ही प्यारा रिज़ल्ट आया। ये आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई मेरी स्किन। ये देखो, मेरी जो स्किन पे जो हेयर वगैरह थे वो भी सारे स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो गए हैं। बिल्कुल नहीं लग रहे कि मेरी स्किन से थोड़े से वो डलाइट हैं या कुछ भी। तो मेरी नोज़ देखें कैसे चमक रही है। तो अब आप लोग ये देखो कि मैं ये टोनर दोबारा अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी, क्योंकि सारी सी बात है स्किन पॉलिश की है मैंने। और उसके बाद ये है कि ये टोनर मैं फ्रिज में रख देती होती हूँ, और इसको जब भी मेरा दिल जाता है दिन में बार 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 बार, जब भी मैं फेस वॉश करके आती हूँ तो मैं इस टोनर को अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, और इससे मेरी स्किन में जान आ जाती है। तो
बस इस तरीके से आप अपनी स्किन को जो है वो वन मंथ में वन टाइम आप लोग खुद ही स्किन पॉलिश इसके घर में कर लिया करें। अगर आप लोग पार्लर नहीं जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए आप लोग ये स्किन पॉलिश अपने पास लेकर रखें और इसको ज़रूर अपने फेस पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। तो जी जनाब, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस स्किन पॉलिश का, इस फेशियल का रिज़ल्ट बेहतरीन है, आप लोगों के सामने है। अभी मैंने आप लोगों को सब शो कराया है, और उसके अलावा आप लोगों को इसके बारे में कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी मैसेज करना हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सारे मैसेजेस का रिप्लाई दूंगी। उसके अलावा मैंने अपनी इंस्टा आईडी आप लोगों को यहाँ मेंशन कर दी है, आप लोग वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। वहाँ तक मैं हमेशा ऑनलाइन होती हूं, मैं आप लोगों को उसके बारे में जरूर गाइड करूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब राखा।